everyone, welcome back to my channel, and today we are going to learn this beautiful side messy bun. So let's get started. यहाँ पे मैंने ear to ear parting की है और निकाला है C-section. और अब हम C-section को clip लगा देंगे और करेंगे ponytail. ponytail हम करेंगे side parting निकालने के बाद. Yes, हम side parting निकालेंगे क्योंकि हमें पूरे हेयर की पोनीटेल नहीं बनानी है. अगर हम पूरे हेयर की पोनीटेल बना देंगे दैट मीन्स कि हमारा जो बन है वो बिल्कुल एक साइड पे बनेगा और दूसरी साइड खाली दिखेगी. इसीलिए हमें थोड़ा सा सेक्शन जो है वो दूसरी साइड के लिए भी बचा के रखना है. सो यहाँ हमारी पोनीटेल बन चुकी है. इसके बाद हम बनाएंगे पफ. तो पफ के लिए भी हम सेक्शन बाय सेक्शन लेके बैक कॉम्बिंग करेंगे. और अगर आपको बड़ा पफ बनाना है तो आप ज़्यादा बैक कॉम्बिंग करेंगे, और अगर आपको ज़्यादा बाउंस नहीं चाहिए तो आप कम बैक कॉम्बिंग करेंगे. फर्स्ट सेक्शन पे हमेशा बैक कॉम्बिंग अंदर की साइड ही रहनी चाहिए. अगर आपकी बैक कॉम्बिंग बाहर निकल जाएगी तो वो बहुत अनटाइडी और मैसी लुक देगा. तो यहाँ पे मैंने सेक्शन बाय सेक्शन लेके बैक कॉम्बिंग कर दी है. और होल्ड के लिए मैंने यूज़ किया है टाफ्ट का स्प्रे नंबर 5. आप कोई भी स्प्रे यूज़ कर सकते हो. अब वन बाय वन हम अपने सेक्शंस को पीछे लेके आएंगे. अगर हम एक साथ सारे सेक्शंस पीछे ले आएंगे तो हमारा बाउंस जो है वो थोड़ा कम हो जाता है. एक एक करके लाएंगे तो प्रॉपर बाउंस मेंटेन रहता है. सो इसीलिए हम एक एक करके सेक्शन को पीछे लेके आते हैं. और इसके बाद हम करेंगे नीट. अच्छे से नीट करेंगे. सिर्फ ऊपर ऊपर से हमें नीट करना है. अंदर की बैक कॉम्बिंग नहीं खुलनी चाहिए. और यहाँ पे नीट करने के बाद मैं इसको लॉक कर दूँगी विद अ यू पिन. हमें यहाँ पे लेयर्स निकालनी है इसीलिए मैं यहाँ पे पहले यू पिन से लॉक कर रही हूँ. तो एक एक करके हम यहाँ पे लेयर्स निकाल लेंगे. जब भी हमें लेयर्स निकालनी होती हैं तो हमें हमेशा यू पिन लगानी है. यू पिन नहीं लगाएंगे या बॉपिन लगा देंगे तो हमारी जो लेयर्स हैं वो इतनी ईजीली और इतने अच्छे से नहीं निकल पाएंगी. तो लेयर्स पुल करने के बाद अब हम इसको करेंगे फाइनल लॉक विथ बॉब पिन्स. और बॉब पिन से लॉक करने के बाद हम अपने यू पिन निकाल देंगे. हमेशा क्रॉस में ही आपको लॉक करना है ताकि जो आपका पफ है वो बिल्कुल भी अपनी जगह से ना हिले. अब हम अपने बन के लिए बेस क्रिएट करेंगे. तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे जो हेयर हैं वो लॉन्ग भी हैं और बहुत हैवी भी हैं. तो यहाँ पे मैं पोनीटेल से ही स्टफिंग क्रिएट कर लूँगी. यहाँ पे मैंने अराउंड 1/3 सेक्शन लिया है पोनीटेल का और उसको अच्छे से कर दिया है बैक कॉम्ब. और बैक कॉम्ब करने के बाद उस पर होल स्प्रे अच्छे से लगा दिया है. इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी नेट ताकि जितने भी हमारा बैक कॉम्ब्ड हेयर है वो एक नेट में कवर हो जाए. अगर क्लाइंट के हेयर शॉर्ट हैं या इतनी वॉल्यूम नहीं है तो यहाँ पे आप आर्टिफिशियल स्टफिंग भी यूज़ कर सकते हो. ऑलरेडी स्टफिंग की वीडियो ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर ही है तो आप वहाँ से उसका ट्यूटोरियल देख सकते हो. अब यहाँ पे हमने लॉक कर दिया है हमारे बेस को विद यू पिन्स. आप बॉब पिन से भी लॉक कर सकते हो. और यहाँ पे हम अच्छे से पिन्स लगा रहे हैं ताकि ये जो हमारा बेस है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए. इसके ऊपर ही हमें अपना बन क्रिएट करना है. जो हमने पफ क्रिएट किया हुआ है उस पर अच्छे से होल स्प्रे कर देंगे ताकि वो लॉक हो जाए. और इसके बाद हम आएंगे फ्रंट वेरिएशन पे. तो फ्रंट वेरिएशन में हम लेंगे जिगजैग पार्टिंग. और जिगजैग पार्टिंग लेने के बाद हम यहाँ पे ट्विस्टिंग करने वाले हैं. उसके लिए पहले हम निकालेंगे एक बॉक्स सेक्शन. अब हम करेंगे साइड सेक्शन को सेट. और उससे पहले मैं यहाँ पे फेस ट्रिमिंग के लिए निकाल रही हूँ थोड़ी सी फ्लेक्स और इसको पीछे कर दूंगी लॉक. अब हम आते हैं फ्रंट की तरफ. तो ये जो हमारा बॉक्स सेक्शन है इसको हम किसी भी तरह से
वेरिएशन दे सकते हैं। आप चाहो तो मिडल पार्टिंग करके भी सेट कर सकते हो, चाहो तो सिंपल साइड पार्टिंग जैसे कि ऐसे ऐसे भी आप सेट कर सकते हो, नहीं तो जो अभी हम करने वाले हैं ट्विस्टिंग, आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम करेंगे ट्विस्टिंग, और उससे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सेक्शन जो है वो फ्रंट हेयर का छोड़ दिया है, और पीछे वाले हेयर में मैंने किया बैक कॉम्ब, और इसको मैं कर दूँगी ट्विस्ट। इसको हम लॉक करेंगे यू पिन से और फिर निकालेंगे इससे लेयर्स। तो यहाँ मैंने यू पिन लगा दी है, और अब वन बाय वन हम इसमें से पुल करेंगे लेयर्स को। जितना आपको बाउंस चाहिए आप उतना ही पुल करोगे, अगर आपको ज़्यादा बाउंस चाहिए तो आप ज़्यादा ऊपर तक पुल कर सकते हो और ज़्यादा बैक कॉम्बिंग कर सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा बाउंस नहीं चाहिए तो आप हल्का हल्का पुल करोगे और बहुत कम बैक कॉम्बिंग करोगे अंदर। तो यहाँ पे हमारी लेयर्स निकल चुकी हैं, आप चाहो तो यू पिन से इसको अच्छे से सेट भी कर सकते हो। इसके बाद हम इसको कर देंगे फाइनल सेट यूजिंग अ हार्ड स्प्रे। अब आते हैं फ्रंट सेक्शन पर, जो हमने थोड़ा से बाल यहाँ पे छोड़े थे। तो फ्रंट सेक्शन को हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्प्रेड करेंगे, और इस पर अच्छे से हम स्प्रे करेंगे। जो भी आपके पास सबसे हार्ड स्प्रे हो, सबसे ज़्यादा होल्ड पावर का स्प्रे हो, वो आपको यहाँ पे स्प्रे करना है ताकि बिल्कुल सीधा हो जाए। और अब यहाँ पे आप सेट करोगे स्टिक्स। यहाँ पे हमें सपोर्ट देना है इस फ्लिक को, तो आप यहाँ पे यूपिन्स की हेल्प भी ले सकते हो या फिर ऐसे स्टिक्स भी आप यूज़ कर सकते हो। ये स्टिक्स आपको कहीं से भी मिल जाती हैं, अमेजोन से, या फिर आप ब्रूम स्टिक यूज़ कर लो, आप टूथपिक यूज़ कर लो, कैसी भी स्टिक आप यूज़ कर सकते हो, हमें सिर्फ सपोर्ट के लिए यूज़ करना है। तो अब हम नीचे वाले हेयर पे वर्क करेंगे। सबसे पहले करेंगे उसको नीट, और नीट करने के बाद यहाँ मैंने थोड़ा सा शाइन स्प्रे यूज़ किया है ताकि हमारे जितने भी बेबी हेयर हैं वो सब नीट हो जाए। और इसके बाद हम उसको थोड़ा सा स्प्रेड करते हुए पीछे ले जाएंगे और उसको लॉक कर देंगे विद अ पॉप पिन। हमारा फ्रंट वेरिएशन रेडी है। ये फ्रंट वेरिएशन आप ब्राइडल पे भी कर सकते हो, एंगेजमेंट में भी कर सकते हो, ओपन हेयर के साथ, किसी भी हेयरडू के साथ आप ये फ्रंट वेरिएशन कर सकते हो। और अब हम आते हैं पीछे के हेयर में। तो अब हमें जितने भी पीछे के हेयर बच गए हैं उन्हें करना है कर्ल, क्योंकि हम एक मैसी साइड बन क्रिएट कर रहे हैं तो हमें कर्ल्स करने पड़ेंगे। कर्ल्स करने के लिए यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ आइकॉनिक की टोन नंबर 25 mm। आप ये इजीली नाइका या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट पर ले सकते हैं। अभी तक हमने सारे कर्ल्स जो हैं वो आउटवर्ड कर्ल्स करे हैं, लेकिन अब जो हम ईयर टू ईयर यानी कि लेफ्ट साइड वाले हेयर हैं वो हम इनवर्ड्स करेंगे, यानी कि वो जब हम टोंग पे लगाएंगे तो वो हम लेफ्ट साइड से अंदर की तरफ लेके आएंगे। तो सारे रिमेनिंग हेयर हमने कर्ल कर लिए हैं, जो आगे की फ्रंट फ्लिक्स हैं वो भी हम कर्ल कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे बन बनाना। तो एक एक सेक्शन हम लेना यहाँ पे शुरू करेंगे और उसको करेंगे ट्विस्ट एंड पुल, और ट्विस्ट एंड पुल करते करते ही हम उसको लेफ्ट में ले जाएंगे। अगर आप लेफ्ट से सेक्शन उठा रहे हैं तो उसे राइट की तरफ लाएंगे, और राइट से ले रहे हैं तो लेफ्ट में ले जाके टक करेंगे। तो ऐसे ही अब हम एक एक सेक्शन लेंगे, ट्विस्ट करेंगे, पुल करेंगे और उसको लॉक करेंगे। तो यहाँ पे मैं बिना गैप देते हुए सेक्शंस को लगा रही हूँ, लेफ्ट से राइट एंड राइट से लेफ्ट। तो पॉप पिन और यू पिन्स का यूज़ करते हुए आपको सेट करने हैं अपने सेक्शंस।
लेस टक करते हो या अगर आपके थोड़े बहुत हेयर बच जाते हैं या फिर एक्स्ट्रा रह जाते हैं तो आप उन्हें छोड़ भी सकते हैं, तो वो भी हमारी एक मैसी लुक ही क्रिएट करेगा। और चाहो तो आप उसको अंदर टक भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अंदर टक कर रही हूँ सारे हेयर और सिर्फ फ्रंट से थोड़े से छोड़ूंगी। तो सेम मेथड ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। सेक्शन लिया, ट्विस्ट किया, पुल किया और सेट किया। बीच बीच में भी हमें यहाँ पे इनविजिबल पिंस या फिर यू पिंस लगानी है ताकि सेक्शन जो है वो अपनी जगह से ना हिले। यही सेम बन आप लेफ्ट साइड पे भी बना सकते हो विद द सेम मेथड, और अगर आप चाहो तो मिडल में भी बना सकते हो। अगर आपके क्लाइंट के हेयर बहुत ही थिन हैं तो आप उसमें डबल क्रिम्पिंग करोगे एंड मेनली ऑन द फ्रंट एरिया ईयर टू ईयर पार्ट में आप डबल क्रिम्पिंग ज़रूर करोगे। इवन अगर आपके क्लाइंट के हेयर नॉर्मल भी हैं तो भी आप वन टाइम ईयर टू ईयर में क्रिम्पिंग करोगे, उससे आपका जो टेक्स्चर है हेयर का वो बहुत अच्छे से आपको हेयर स्टाइलिंग करने में हेल्प करता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी, एडवाइस करूँगी कि आप अपना हेयरडू बनाने से पहले ईयर टू ईयर पार्टिंग में क्रिम्पिंग ज़रूर करें। अब हम आते हैं फ्रंट साइड सेक्शन पे। तो यहाँ भी हम फेस फ्रेमिंग के लिए थोड़े से हेयर छोड़ देंगे। पाम्स के लिए थोड़ी सी पैट कोमिंग करेंगे। शाइन स्प्रे यूज़ कर सकते हो आप फ्रंट पे। और अब हम इसे पीछे लेके आएंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और लॉक कर देंगे। अब हम लेयर्स भी निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने बिना लॉक करे इस पे लेयर्स निकाली हैं। आप चाहो तो पहले यू पिन से होल्ड करके फिर लेयर निकाल सकते हो, आपको जैसे इजी लगे आप वैसे कर सकते हो। अब फाइनल लॉक कर दूंगी यूजिंग अ बॉब पिन। अगेन रिमेनिंग हेयर को भी हम सेम मेथड से सेट कर देंगे। जब भी यहाँ पे साइड बन बनाएंगे तो थोड़े से हेयर हम साइड पे छोड़ देंगे ताकि वो खाली ना लगे। नीचे का सेक्शन अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर बच जाते हैं तो आप उसको स्टफिंग के अंदर डाल सकते हो, और अगर आपके यहाँ पे एक ही सेक्शन रह जाता है तो आप उसी को पूरा 2-3 बार रोल एंड फोल्ड करके सेट कर सकते हो। यहाँ पे मेरा ये लास्ट सेक्शन रह गया है और मुझे इसके बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है, तो मैं इसको यूपिन में अच्छे से रोल करके स्टफिंग के अंदर डाल दूंगी। और इसके ऊपर हम अपनी एक्सेसरीज प्लेस कर देंगे। यहाँ पे आप रियल फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप दूसरी सिंपल हेयर एक्सेसरीज भी अप्लाई कर सकते हो।
सारी फ्रंट फ्लिक्स को हम कर्ल कर लेंगे। हमारा बन ऑलमोस्ट रेडी है, बस हमें एक्सेसरी प्लेस करनी है यहाँ पे, तो वो भी हम कर देते हैं। यहाँ पे मैं ये लॉन्ग एक्सेसरी प्लेस कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ यू पिन्स। आप फाइन पिन्स या बॉब पिन से भी यहाँ पे इसको प्लेस कर सकते हो, या फिर आप रियल रोजेज या दूसरे फ्लावर्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। हेयर स्टाइल इज डन। आई होप आप सबको ये हेयर स्टाइल पसंद आया हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय।